नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने चैनल कारपोर हिंदी के एक और नई वीडियो में। दोस्तों आज हमारे पास है स्विफ्ट डिजायर और इसको लेके आया हूँ मैं MRF के ऑथोराइज शॉप पर। यहाँ पर क्यों लेके आया हूँ वो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे चारों व्हील्स खुले हुए हैं। ये आप देख रहे हैं स्टील व्हील 16 इंच का, ये इसका स्पेयर व्हील है। तो ये जो गाड़ी है टॉप मॉडल है ZXI, तो इसमें अलॉय व्हील दिए गए हैं 15 इंच के। तो यहाँ पर बैलेंसिंग और अलाइनमेंट चल रही है। एक्चुअली इस गाड़ी का जो टायर है वो ख़राब हो गया था एक, और ख़राब क्यों हुआ था वो भी मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। पहले गाड़ी सामने से दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर जो है आप देख पा रहे हो एक तरफ नया टायर डाला जा रहा है और एक तरफ बैलेंसिंग चल रही है। तो ये नया टायर हम डलवा रहे हैं। इसके पीछे का रीज़न ये है कि टायर जो है ड्राइवर की गलती से कट गया था, और वो कटा किस वजह से वो भी मैं आपको बता देता हूँ। एक्चुअली गाड़ी के टायर में थी हवा कम, ड्राइवर ने ध्यान नहीं दिया और हवा कम टायर में ही उसे चलाता रहा, जिससे टायर ख़राब हो गया। तो यहाँ पर जो है MRF के ऑथोराइज शॉप पर हम आए हुए हैं। यहाँ पर पूरा सेटअप आप देख पा रहे होंगे, और जो टायर है वो भी मैं अभी आपको दिखा देता हूँ चल के। तो यहाँ पर हमारा जो पुराना टायर है वो डला हुआ है, देखिए। तो यहाँ आप देख पा रहे होंगे चारों तरफ से जो है रिम के कट लग गए इसमें हवा नहीं होने के कारण, यानी कि बिना टायर में हवा के ही गाड़ी को चलाते रहा गया, जिससे ये टायर कट चुका है। आप देख पा रहे होंगे गाड़ी के टायर की कंडीशन काफ़ी ख़राब है। तो हम जो है सेम टायर यहाँ पर लगवा रहे हैं MRF का, और जिस जगह मैं गाड़ी को लेके आया हूँ ये जो है ऑथोराइज शॉप है MRF की। तो यहाँ पर जो पूरा सेटअप है MRF द्वारा ही लगाया गया है। करीब 50 लाख रुपए का जो है यहाँ पर सेटअप लगा हुआ है मशीनों का। तो मैं आपको थोड़ा सा बाहर से दिखा देता हूँ। सामने माधव बाल निकेतन और वृद्ध आश्रम है, और ये जो शॉप है आप देखिए ये शॉप है, ये ग्वालियर में है ये शॉप। अगर आप ग्वालियर या आसपास से बिलोंग करते हैं तो आप आ सकते हैं। एड्रेस मैं जो है आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो यहाँ पर जो ये दोनों ही जो मैकेनिक हैं, जो बंदे हैं आप देख पा रहे हो यंग एज की है, और ये जो है चेन्नई से ट्रेनिंग लेके आए। इनका काम मुझे जो करने का तरीका है बहुत ही पसंद आया, और काफ़ी अच्छे से काम किया इन्होंने, फटाफट एकदम से काम कर रहे हैं। तो तीन जो टायर है इनकी बैलेंसिंग हो गई है, जो लास्ट हमारा जो टायर चेंज हो रहा है उसकी बैलेंसिंग हो रही है। बाकी यहाँ पर आप देख पा रहे हैं प्रॉपर सब कुछ काम किया जा रहा है। जो नट बोल्ट है, जो टायर के बोल्ट होते हैं, उसमें ऑयलिंग की जा रही है ताकि जाम नहीं हो जाए खोलते समय या टूट ना जाए। तो यहाँ पर जितना भी काम हो रहा है बड़े ही सिस्टमेटिक तरीके से किया जा रहा है, जो कि मुझे काफ़ी सही लग रहा है। तो लगभग बैलेंसिंग हमारी गाड़ी के व्हील्स की हो गई है, नया टायर भी डाल दिया गया है। अब हम देखेंगे कि अलाइनमेंट किस तरह से की जाती है, और बाकी की जो सारी चीज़ें हैं वो मैं आपको बीच बीच में दिखाता रहूँगा। तो जो हमारा टायर है जो ख़राब हुआ था वो एक बार फिर से देख लेते हैं। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर कितना गहरा कट लग गया है, पूरा जो टायर है रिम से कट गया है। अब यहाँ पर जैसा कि मैं कह रहा हूँ पूरी गलती जो है ड्राइवर की है। आप देख लीजिए कितने बड़े कट लगे हुए हैं। अगर ड्राइवर ध्यान देता तो ये टायर बच जाता, और गाड़ी मात्र अभी 21,000 किलोमीटर ही चली। तो टायर की कंडीशन काफ़ी अच्छी है, 10% भी अभी टायर लगभग घिसे हैं। तो अभी बैलेंसिंग हो गई है, टायर को फिट कर दिया गया है, अब अलाइनमेंट की बारी है। तो सेंसर फिट किए जा रहे हैं सभी व्हील्स में, यहाँ पर सेंसर लगाए जा रहे हैं बारी बारी से। तो सेंसर लगाने के बाद अलाइनमेंट किया जाएगा। तो ये जो आप देख रहे हैं ये सेंसर होते हैं जिससे जो है अलाइनमेंट होता है, और सामने जो मशीन है वो भी मैं अभी आपको दिखाने वाला हूँ। सिस्टम जो होता है उसमें सारा सॉफ्टवेयर होता है, हर गाड़ी का अलग अलग होता है, और सारी गाड़ी का डेटा भी सेफ होता है, और उसका प्रिंट आउट भी आपको निकाल के दिया जाता है। तो अलाइनमेंट हम इसलिए करा रहे हैं, हमें ऐसा लग रहा था कि गाड़ी का जो फ्रंट लेफ्ट टायर है वो थोड़ा सा जो है एक साइड से ज़्यादा घिस रहा है। तो अभी यहाँ पर जो है सेंसर लगाने का काम चल रहा है, ये चारों व्हील्स में लगाए जाएंगे। तो अलाइनमेंट देखते हैं कि किस तरह से करते हैं, और बाकी की चीज़ें फिर मैं आपको आगे दिखाता हूँ। तो यहाँ पर दोस्तों अब सेंसर लगा दिए गए हैं टायर में, आप देख पा रहे हो, और जो सिस्टम है इसकी तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर जो है गाड़ी का नंबर, गाड़ी की टोटल किलोमीटर रनिंग अभी तक कितनी है, वो सारा डेटा फिट किया जाएगा। उसके बाद गाड़ी को सिलेक्ट किया जाएगा, किस कंपनी की मैन्युफैक्चर गाड़ी है, कौन सा मॉडल है, सारी डिटेल इसमें फिल की जाएगी। उसके बाद जो है इसको स्टार्ट किया जाएगा। तो यहाँ पर जो है गाड़ी का जो नंबर है वो फिल किया जाएगा, साथ में टोटल किलोमीटर भी फिल किया जाएगा। तो आप देख रहे होंगे गाड़ी का जो नंबर है वो यहाँ पर डाला जा रहा है। मैं आपको एक बार गाड़ी की तरफ भी दिखा देता हूँ, देखिए यही सेम नंबर डाला जा रहा है। इनके पास डेटा सेव भी रहता है, और आपको प्रिंट आउट निकाल के भी देते हैं ताकि आपको पता रहे कब हमने अलाइनमेंट किया था, कब बैलेंसिंग करवाई थी। तो सारा डेटा जो है
कंप्यूटर में भी सेव रहता है और आपको भी एक प्रिंट आउट निकाल के दिया जाता है ताकि आपको याद है लास्ट टाइम आपने कितने किलोमीटर पर अलाइनमेंट बैलेंसिंग की थी। तो यहाँ पर जो है गाड़ी को सिलेक्ट किया जा रहा है, स्विफ्ट डिजायर है ये, पुरानी वाली डिजायर है ये, और यहाँ पर जो है सारी डिटेल भर दी जा रही है। अब मैं आपको थोड़ी देर में दिखाता हूँ कि सिस्टम हमारा क्या बता रहा है, क्या अलाइनमेंट आउट है या नहीं। यहाँ पर जो है गाड़ी के जो टायर हैं उसको दोनों तरफ रोटेट करके देखा जा रहा है स्टेयरिंग को घुमाकर। तो यहाँ देखिए स्टेयरिंग को जब सेंटर में लाया जाएगा, एक बंदा गाड़ी के अंदर बैठा हुआ है, उसके बाद रोक दिया जाएगा। तो यहाँ पर जो है आप देख रहे होंगे कुछ इस तरह का डेटा दिख रहा है, अभी ये फाइनल जो है डेटा नहीं है। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए ये जो आप रेड कलर देख रहे हैं, यहाँ पर जो है कैम्बर आउट है इस गाड़ी का। तो कैम्बर को ये सेट करेंगे, जब तक ये ग्रीन नहीं हो जाएगा तब तक इसको लूज़ या टाइट किया जाएगा। तो गाड़ी को फिर से उठाया जा रहा है क्योंकि अभी एक व्यक्ति गाड़ी के अंदर था, तो अब नीचे जाके जो है कैम्बर की सेटिंग करेंगे। तो यहाँ पर जो है आप देखिएगा ये जो रेड है ये जो है बिल्कुल ग्रीन हो जाएगा, और आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर जो है सेटिंग है वो बिल्कुल प्रॉपर हो जाएगी कैम्बर की। तो अभी इसको ये लूज या टाइट करके देखेंगे, उसी हिसाब से इसको सेट किया जाएगा। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे धीरे धीरे जो सेटिंग है वो प्रॉपर की जा रही है। देखिए ये ग्रीन हो गया है, 0.1 mm कर दिया जाएगा इसको। तो यहाँ पर जो है 0.2 mm, 3 mm या 4 mm तक भी रखा जा सकता है, बट माइनस में होने पर थोड़ी सी दिक्कत आती है। तो यहाँ पर जो है ये सेट हो गया है और जो प्रिंट आउट है ये भी इन्होंने दे दिया है। तो इस तरह से जो है अलाइनमेंट किया जाता है। अब यहाँ पर जो है धागे से भी चेक करेंगे, ये ऐसा नहीं है कि मशीन से चेक कर लिया, अब ये मैन्युअली जो है धागा लगा के भी चेक करेंगे पीछे से, आगे का जो व्हील है उससे धागा कितना टच हो रहा है उसी हिसाब से ये देख रहे हैं। आप देखिए दूसरी तरफ भी अगर आपको समझ में आ रहा हो, तो यहाँ पर जो है धागा कहीं ज़्यादा तो नहीं टच हो रहा है या बाहर तो नहीं हो रहा, उससे पता चल जाएगा इनको कि जो अलाइनमेंट है वो परफेक्ट है या नहीं। तो फाइनली दोस्तों हमारी गाड़ी में बैलेंसिंग अलाइनमेंट का जो काम था वो पूरा हो गया है, साथ में टायर भी चेंज हो गया है। अब जो है जो टायर है उसमें नाइट्रोजन भरी जाएगी और नाइट्रोजन भरने का जो चार्ज है वो अलाइनमेंट और बैलेंसिंग में ही ऐड है, एक्स्ट्रा हमको कुछ भी नहीं देना। और एक बात और अच्छी लगी, हमने यहाँ पर टायर चेंज कराया है तो टायर को चेंज करने का भी कोई चार्ज इन्होंने नहीं लिया है। तो अभी जो है हमारी गाड़ी के सभी टायरों में नाइट्रोजन भर दी गई थी और यहाँ पर स्पेयर व्हील में भी हम नाइट्रोजन भरवा रहे हैं, तो सभी टायरों में नाइट्रोजन फिल करवा रहे हैं। और अभी मैं एंड में आपको पूरा जो खर्चा आया वो बताने वाला हूँ, जो कि मुझे काफ़ी सही लगा। तो यहाँ पर जो है नाइट्रोजन जो है वो फिल की जा रही है, जो नॉर्मल एयर होती है वो निकाल ली जाती है। ये नाइट्रोजन की मशीन है, यहाँ पर जो है नाइट्रोजन आप भरवा सकते हैं। तो गाड़ी हमारी कंप्लीट हो चुकी है, अब बात कर लेते हैं कि टोटल कितना खर्चा आ गया इन चीज़ों में। तो सबसे पहले बात करते हैं टायर की, कि टायर कितने का पड़ा। तो हमने जो है MRF का ही जो सेम टायर लगा था ZBTS वही डलवाया है, जो कि हमें पड़ा है 4500 रुपये का। हमने बाहर भी पता किया तो 4800 रुपये का मिल रहा था, तो यहाँ पर जो है 4500 रुपये का मिला, तो सेम टायर हमने डलवाया है। इसके बाद बात करते हैं बैलेंसिंग अलाइनमेंट की। तो बैलेंसिंग का जो चार्ज है और अलाइनमेंट का जो चार्ज है विथ वेट वो है 900 रुपीज़ डिजायर के लिए, लेकिन हमने 800 रुपये दिए हैं, ठीक है। उसमें वेट, नाइट्रोजन सब कुछ इंक्लूड है, आपको कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं देना। अगर आप कंपनी में कराते यानी सर्विस सेंटर पे कराते तो आपको लगभग जो है 1100-1200 रुपये का पे करना होता, साथ में GST भी इंक्लूड हो जाता, केवल बैलेंसिंग अलाइनमेंट नाइट्रोजन के लिए। तो अगर आप दोस्तों ग्वालियर या ग्वालियर के आसपास रहते हैं तो आप अपनी गाड़ी का जो बैलेंसिंग है या अलाइनमेंट है वो करवाने के लिए यहाँ पर आ सकते हैं, या टायर भी अगर आपको चेंज कराने हैं तब भी आप यहाँ पर अपनी गाड़ी को ला सकते हैं। काफ़ी ट्रेंड और परफेक्ट मैकेनिक द्वारा यहाँ पर बिल्कुल अच्छे से काम किया जाता है। तो अगर आप यहाँ पर आना चाहते हैं तो ये एड्रेस है शॉप का, मैं विजिटिंग कार्ड का आपको पिक्चर दे रहा हूँ, इससे आप यहाँ पर पहुँच सकते हैं। तो ये जानकारी थी दोस्तों, उम्मीद है जानकारी पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।